सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग जियो सिम का डाटा एमबी किस तरीके से चेकआउट कर सकते हो गाइस। जी हाँ, अगर आप लोग भी जियो सिम का यूज़ करते हो और आप जानना चाहते हो कि जियो सिम का डाटा एमबी किस तरीके से चेकआउट की जाती है गाइस, सो गाइस मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ गाइस। सो गाइस, ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस, आप लोग डायलर को ओपन कर लेना है। डायलर को ओपन करोगे तो गाइस आप में एक कोड को बता रहे हैं, वो उस कोड को मेंशन करा दे रहे हैं, उस कोड को आपको डायल कर देना। डायल करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि 1299। उसके बाद आपको स्लॉट को चूज़ कर लेना, जिस स्लॉट में आपकी सिम जियो वाली सिम पड़ी होती है उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे सिम 2 में है, इसको हम कर लेते हैं, मैंने इसको डायल कर देते हैं। डायल करने के बाद यहाँ पे कॉल कोड डीएक्टिवेट हो चुकी गाइस, उसको आपको बैक कर लेना है। देन मिनिमाइज करने के बाद आप लोग थोड़ी देर में एक मैसेज आ जाएगा, देख सकते मैसेज आ चुका है, इसमें मैसेज में क्लिक कर लेते हैं। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे डाटा यूजेज यहाँ पे देख रहा है, 1000 MB हमारी पर डे यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे प्लान एक्सपायर है, यहाँ पे 5 मई को एक्सपायर बता रहा है, और यहाँ पे मेरी 1000 MB होती है वो यहाँ पे यूजेज हो चुके हैं गाइस। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो मेरे जियो सिम पे कितनी MB पड़ी हुई हैं और कितनी मेरी वैलिडिटी है, यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो गाइस। सो गाइस, आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी, तभी आपको जियो सिम का डाटा MB चेक करने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हम तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।